गुड मॉर्निंग गाइस। तो भाई कैसे हो आप सब? तो भाई आज बहुत दिनों बाद घर से व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और आज दिखाएंगे क्या कुछ रहेगा आज के पूरे दिन। और चलते एक बार रेडी हो गया पूरी प्रॉपर ड्रेस में, क्योंकि अब ना थोड़ा स्ट्रिक्टनेस हो गई है ड्रेस को लेके, और इसलिए चलते एक बार ड्रेस हो गया, खाना पीना खा के सीधा बस स्टैंड चलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे रहेगा आज का दिन। मिलते हैं। तो अभी बस स्टैंड पर पहुँच गए हैं, बैक साइड गेट वाले में जा रहे हैं। एक बार टाइम अभी 8:08 हो रखा है और देखते हैं बस मिलते नहीं मिलती। वैसे टाइमिंग तो बस की 8:10, 8:15 की है, पीछे क्या हो गया, अच्छा रिफ्लेक्शन वाली, और इसकी वजह से बाकी मैं तो टाइम तो अगर बस आगे पीछे जल्दी चली गई बस आगे भी तो भागे भागे आए थे तो और वो दूसरी बस मिली, दोनों ये भी मिल गया मैं और बाइक चली जाता है। करते वेट जैसे भी रहेगा दिखाएंगे। काफ़ी चेंज हो गया है वैसे क्लासेस में भी, वैसे भी इतने दिनों क्योंकि बहुत कम बच्चे आ रहे हैं अभी फिलहाल में, तो देखते जैसा भी होगा आपको दिखाएंगे आज पूरा दिन। भाई एक बार भीड़ देखो यार कितनी ज़्यादा, मतलब भाई हद से ज़्यादा ये खड़े होने की मुश्किल से यहाँ मिल रही भाई, बिल्कुल लास्ट जगह पे आ गए, इसका सीट मिलकर भाई देखियो कितना खुश हो रखा है ये। आज तो भाई उतरने भी नहीं दे रहे थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। एक बार आप खुद देख सकते हो भाई हद, तो मैंने जूम करके ध्रुव को दिखाया, ध्रुव आगे था भाई। अब पहुँचे यार, ये मान लो 8:08 पे चले थे, टाइम देख सकते हो 9:05, 4 मिनट रहते, और भाई देख सकते हो अब इन्होंने, हम डेली बाहर उतरते थे, आज ना अंदर सीधा बस निकाल दी, इस बस में आए थे, और देखते अब कैसे क्या रहेगा। अंदर से ही बस पकड़ेंगे और चलेंगे भाई जल्दी से, क्योंकि पहले लेट हो गया, पहले लेक्चर में असाइनमेंट देने हैं, क्या होगा पहले लेक्चर में असाइनमेंट देने दो, तो वो देने ज़रूरी है। अरे वो बात है, बस का वेट फिर चलते हैं। आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ लग रही है, और भाई इस बस में चढ़ रहे हैं चल भाई, मिल गया बस चल। तो अभी उतर गए हैं और कुणाल सबसे आगे बस में छोड़ दिया भाई, इतना ट्रैफिक होने लग गया ना अब, बता नहीं सकते कितना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, और क्रॉस कर ली है और दिखाएंगे आपको आज पूरा दिन। एक बार यूनिवर्सिटी में पहुँच जाए तू ये और लेसिस बांध देता भाई, चलते फिर। अब आज भीड़ देखो यार कितनी ज़्यादा हो रखी है, हद से ज़्यादा, पीछे देख सकते हो यार आज है कैसा, चलो मंडे है वो तो मान सकते हो, बाकी इतनी ज़्यादा भीड़ आज भाई, मतलब हद हो रखी है आज तक। देखते हैं जैसा भी आज पूरे दिन में क्या रहेगा। सुबह सुबह तो ठीक हुई है अपनी, टाइम पे बस भी मिल गई, टाइम पे मान लो आ भी गई, और ठीक है सारा अब तक तो ठीक चल रहा है, बाकी देखते। तो भाई बहुत दिनों बाद एक नंबर गेट के दर्शन कर लो आप, और ये कुछ है आज का हाल चाल, चलते एक बार। तो भाई देखो फाउंटेन चल रहे हैं और सस्ते फाउंटेन भाई, ये पता नहीं अजीब सा ऐसा लग रहा है, पाइप खड़ी कर रखी है एक बस, मतलब यार ऐसे होता है फाउंटेन ऐसे चलते, मतलब चलते कि सारे पानी बिखेरते साइडों में, पर ये तो कुछ अलग ही डायरेक्शन में, अलग ही ऊपर ही ऊपर चल रहे, इसका कोई मतलब नहीं हुआ, ये धुरता कैसा ही है। और मजाक मजाक में लेट हो गए, वैसे बोल तो रहा था मैं ठीक टाइम पर लेट हो गए, देखते हैं एंट्री मिलेगी तो ठीक है, एंट्री मिलेगी तो भी ठीक है, असाइनमेंट देगी चल पड़ेंगे बना, और घूमते आज थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटी दिखाएंगे आपको भी जैसा भी रहेगा आज। तो भाई पेड़ ही पेड़, इसका मतलब आप समझ गए हो, आप बैक साइड में अपने डिपार्टमेंट के, और दोनों ये टाइम तो हो चुका है थोड़ा सा ज़्यादा, लेते हैं एंट्री दिखाते हैं आपको। कोई क्लास लगी नहीं हुई अभी, भाग भाग के आए थे वंस अगेन काफ़ी दिनों बाद व्लॉग स्टार्ट करा ना इसलिए, और बैठे यहाँ पे जब तक होता नहीं, अभी क्लास लगी है तो लेंगे वरना ठीक है जैसा भी है, हो जाते हैं भाई कभी कभी इमरजेंसी टीचर्स को भी। अभी धूप निकल गई है यार इतनी ज़्यादा तेज़, इसलिए मैं जैकेट वगैरह नहीं डाल गया था। असाइनमेंट बन रहा भाई सबका, मतलब मैं घर से रेडी करके आ गया था, ये तो सबके सब लगे पड़े हैं, इनका फ़ायदा हो गया मैम ने ना अभी तक, तो पहले अपना असाइनमेंट वगैरह सारा हो जाएगा उसके बाद सबमिट कर देंगे।
किसको देख के आ रहा है बार बार इस क्लास में? अंकल जी थोड़ा ध्यान दो इस पे। क्लास तो लगनी सारी सारे बाहर आ गए, ये दिन पीछे वो कह रहा है बाहर जाने के 150 रुपये लेंगे। बोला ठीक चलो चलो भाई, और एक बार बाहर चलते हैं और देखते हैं, कहीं जाते तो दिखाएंगे आपको वरना। ठीक है, 3 क्लास लग गई है और एक में हुआ था अपना ओपन बुक टेस्ट और एक में मैम ने आगे कुछ पढ़ाया, मतलब था तो थी प्रेजेंटेशन उसमें, पर उसमें वो हो गया मतलब सिलेबस करा दिया आगे। और पीछे हम सारे पार्किंग में खड़े, ये 4-5 खड़े सभी यहाँ खड़े हैं, जो अपना ये नहीं है बूथ इसके सामने, और देखते अब कहीं चलते या फिर जैसा भी रहेगा आज। और ये मान लो 12:10 हो गए हैं, तो वही बाइक उठा के चल दिए हैं एक बार नीमो बूथ पीछे। संयम कहाँ है रे? हाँ, और मेन है कि भाई क्लास लग रही थी पर हमारी इतनी अटेंडेंस उस क्लास में सबसे ज़्यादा, हमने सोचा आज स्किप करते। मेरे ना थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या, सुबह बस में आए ना किसी को लगी, क्या बोलते उसको, कोहनी वगैरह लगी, तो उसकी वजह से दिक्कत हो रखी है। और एक बार नीमो बूथ पे चलते हैं फिर दिखाते करते आपसे बात। तो भाई यहाँ पे आए थे इस नीमो ने, नीमो नाम रख रखा है, उसके बैक साइड में जगह है बैठने की, और यहाँ बैठे खाना वगैरह तो खा लिया, देखते कुछ और मंगाते हैं तो वो भी खाएंगे और फिर चलते हैं, लंच टाइम हो जाएगा और फिर देखते क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि बोर हो रखे हैं और पीछे यहीं जाके बैठूंगा वापस, और देखते थे सभी। एक घर पे अभी पार्सल आया है, मम्मी को बोल रहा है अटेंड करने के लिए, मतलब लेने के लिए। और तो वही पेटीज वगैरह रियल जूस वगैरह पी लिया, और 4-5 और एक में 3 व्हीकल, एक ये और एक वो वहाँ जो पीटर खड़ी, तो सारे चलते एक बार देखते घूमने चल रहे हैं, फिर क्लास लेंगे वो तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। बाकी लंच हो गया अभी, तो क्लास में तो जाने का कोई मोटिव है नहीं, मतलब कोई फ़ायदा भी नहीं है, कोई पर्पज़ भी नहीं है, तो देखते बाहर जाते क्या करते क्या नहीं करते, आपको सारा कुछ दिखाएंगे। और चलो तो वही सीओम सबसे आगे, लोकेश उससे पीछे, हम आराम से बिल्कुल मजे लेते। ओ क्या बात है, क्या बात, और क्या ही आनंद आ रहा है, क्योंकि भाई ये मान लो ऑलमोस्ट फ्री कर रखी है, फ्री तो नहीं है मतलब चलता है थोड़ा बहुत तो ऐसा। तो भाई घूम फिर के एक बार एक्टिविटी सेंटर के बाहर आ गया, देखते हैं, बाकी रुकने का तो इरादा है नहीं यहाँ, और भीड़ भाई बहुत ज़्यादा यार आज, पता नहीं ऐसा क्या हो रखा है आजकल, इतनी ज़्यादा भीड़ आ रही है ना, अभी एग्ज़ाम है ना कुछ, मतलब हाँ एक पॉइंट ये हो सकता है कि सेशनल वगैरह प्रेजेंटेशन असाइनमेंट सब लास्ट टाइम चल रहा है, शायद ये हो सकता है, बाकी मुझे कुछ आइडिया नहीं है, और देखते एक बार जैसा भी। तो भाई क्या बोलते हैं इसको, स्विमिंग पूल के पास आ गए, तरण ताल के पास आ गए, और देखते हैं अंदर जाते हैं एंट्री लेंगे। तो भाई ये आ गया अपना तरण ताल स्विमिंग पूल पे, और ये क्या, ये तो इन्होंने मोड़ लिया यार, देखते हैं जैसा भी होगा आगे क्या करने के इरादा है इनका। और बाप रे बाप, ये कहाँ जा रहे? तो भाई फोटो शूट करा थोड़ा सा, मतलब बहुत दिन हो गए भाई मैंने स्टोरी वगैरह कुछ पोस्ट करे इंस्टाग्राम पे और पीछे, इसलिए हमने सोचा कि भाई एक आधा तो फोटो शूट, मतलब फ़ोटो थोड़ा, मतलब फ़ोटो समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूँ, मतलब फ़ोटो क्लिक करिए 2-4, और इसकी वजह से देखो ये देखो यहाँ मस्ती कर रहे हैं। और ये जुपिटर लोकेश की है, एक्टिवा शिवम की, और वो संयम की, और तो इसलिए हम पहले हम डेली आते थे भाई बाइक पे डेली गुआना से रोहतक, और अब फिर हमने पास बनवा लिया, और भाई बिना बात का खर्चा, और भाई अब ठंड आ गई है तो सुबह डेली आया नहीं जाता, तो इसलिए मस्त, मतलब बस यार सीट मिल जाए तो भाई उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, पर सीट कम मिलते फिर भी कोई नहीं, चला लेंगे काम। मॉडल यहाँ संयम, ये भी आ गए, और मैं भी एक नंबर गेट पर बैठा हूँ, पहले मुझे छोड़ के गया था इसको लेने गया था भाई, धूप बहुत कर मतलब तेज हो रखी है, और ये दोनों जा रहे हैं और हम दोनों चलते हैं अबे, तो मिलते हैं चलते हैं, बाय बाय। और अब चलते हैं अपन, भरत मिलाप,
चलते भाई घर। और दुखी सा हो गया आज तो यार, बिना बात जो सुबह पेट में कोनी लग गई उसकी वजह से पता नहीं अजीब सा दर्द हो रहा है पेट में। ठीक है जैसा भी है, और चलते अब लेने हैं। चौकी थी मतलब अभी उखाड़ के ये यहाँ कर दिए, मतलब कुछ नया चेंज हुआ अभी अभी ये मेरे ख्याल से सुबह तो थी, आज शायद आज ही अभी चेंज हुआ है कुछ ऐसा होगा। और कर रहे एक बार वेट, नज़रों की आगे से गई है एक बस अभी अभी बिल्कुल, देखते करते वेट तो भाई कब नहीं। भीड़ देख सकते हो कितनी भाई, हद से ज़्यादा भीड़ होती है यार ये झज्जर जाने वालों की। झज्जर जयपुर ये झज्जर साइड है ना, हाँ झज्जर वाली है भाई, ये बहुत भीड़ होती है भाई इनमें। ये नहीं इसी बस में भाई हर जगह है भाई, बहुत भयंकर काम होता है यार। मिलने में कम से कम आधा घंटा लग गया और 10 मिनट हो गए यहाँ पे भी खड़े हैं। ये मान लो टाइम 2:45 हो गए, हम 2:10 पे चले थे शायद, पूरा लोग हैं बहुत सारे खड़े बंदे देख सकते हो। अरे बस देखते जैसा भी है, बस तो लेनी है लेट जल्दी जैसा भी है भाई। बस ने ना इस बस ने सारी की सारी कसर पूरी कर दी है भाई। एक बार जाते मतलब एक बार मार्केट में जाना है, करते कुछ इतनी देर रुके थे ना, ये मान लो आधा घंटा रुके थे तो भाई इसने ना 25 मिनट में रोहतक से घुमाना उतार दिया टोटल 25 मतलब मिनट में अंदर बिल्कुल। बस स्टैंड बहुत सही था और घुमाना बस स्टैंड पे, और ना मुझे घर जाके और वापस एक बार मार्केट में आना है, कुछ काम था मार्केट में शॉपिंग वगैरह करनी है। जल्दी से जाके जल्दी आना वापस, इतना टाइम नहीं है क्योंकि शाम ये मान लो 3:30 तो हो ही गए हैं और अब तो 5 बजे अंधेरा हो जाता है बिल्कुल। तो चलते एक बार कुणाल के घर पे बाइक उठाते हैं फ्री। ये मेन मार्केट में मंदिर, इसकी कंस्ट्रक्शन चली हुई है और भाई मेन मार्केट में भीड़ देख सकते, इतनी ज़्यादा नहीं है पर जैसा भी है ठीक है। और थैंक यू सो मच गाइज यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और आज का यहीं तक था। आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।